नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। सरकार जहां इसे ऐतिहासिक बजट बता रही है, तो विरोधी दल अंतिम जुमला करार दे रहे हैं। समाज के हर वर्ग को साधने वाला ये बजट छोटे किसानों को हर साल 6000 रुपए की मदद को लेकर ज्यादा चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे किसानों को मजबूती देने वाला बजट बताया है। हालांकि अब सवाल ये उठ रहे हैं कि किसानों की मांग क्या थी और उन्हें क्या मिला। साथ ही अगर मिडिल क्लास की बात करें तो इनकम टैक्स में 5 लाख तक की सालाना आय वालों को कर मुक्त कर मोदी सरकार उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाई है, देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों के आंदोलन विरोध की बड़ी आवाज बने हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालिया हार को भी किसानों के गुस्से के नतीजे के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में भी ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन शहरों में मिले समर्थन के कारण पार्टी सरकार बनाने में सफल रही थी। ऐसे में मोदी सरकार ने बजट के जरिए 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों के खाते में हर साल किश्तों में 6000 रुपए डालने का फैसला लिया है। वैसे देखा जाए तो लंबे समय से किसान जो मांग करते आ रहे हैं वो कुछ और ही है। किसान चाह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, पूर्ण कर्ज माफी का ऐलान हो, हर अनाज का MSP तय हो, डीजल पर किसानों को सब्सिडी मिले और गन्ने का बचा हुआ भुगतान तुरंत हो। पीएम मोदी का कहना है कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले किसान योजनाओं का लाभ केवल 2-3 करोड़ किसानों को मिलता था, अब 12 करोड़ किसानों को मिलेगा। उधर कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रोजाना 17 रुपए किसानों को देने वाले मोदी सरकार के फैसले को किसानों का अपमान बताया है। मुझे प्रसन्नता है कि अगले दशक के अंत तक की आवश्यकताओं को और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भी इस बजट में योजनाओं को समाहित किया गया है। ये बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मिडिल क्लास के सपनों को साकार करेगा, ईमानदार टैक्स पेयर का गौरवगान करेगा, ट्रेडर्स को सशक्त करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति देगा, अर्थव्यवस्था को नया बल देगा, देश का विश्वास मजबूत करेगा। 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए, अपमान नहीं है तो क्या है? बजट में की गई घोषणाओं पर जानते हैं किसानों का क्या कहना है। ये जो 6000 रुपया किसानों को देने की घोषणा की गई है, सो किसानों को फायदा है इससे, लेकिन जो आगे चुनाव आ रहा है इसको लुभाने के लिए सरकार अपना कुछ वो कर रही है। बहुत ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा इसका। तो क्या लगता नहीं कि 2019 के लोकसभा? हाँ, दे चुनाव के लिए किए, लेकिन किसानों को तो फायदा होगा ना? हाँ, फायदा होगा। बजट में इनकम टैक्स नियमों में भी बड़े बदलाव का ऐलान किया गया। बीते 20 सालों के बजट भाषणों में शायद ये पहला मौका रहा जब किसी वित्त मंत्री को इतनी तालियां मिली हो और विपक्ष को सांप सा सूंघ गया। लेकिन बजट पेश करने के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद वित्त मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया तो पता चला कि जिसे छप्पड़ फाड़ तोहफा बताया गया वह महज एक झुंझुना है। 5 लाख की छूट सिर्फ उन्हीं को मिली जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए है। जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए से ज्यादा है उन्हें पुराने स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना होगा। सरकार का दावा है कि इसके साथ ही 3 करोड़ लोग टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। देखा जाए तो अपने खातों में 6000 पाने वाले महज किसान नहीं हैं, बल्कि ये वोटर भी हैं, जिन्हें अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में वोटिंग करनी है और उससे ठीक पहले उनके खाते में 2000 रुपए की पहली किश्त पहुंच जाएगी। 12 करोड़ किसानों का मतलब है करीब 36 करोड़ मतदाता। उधर आयकर छूट की सीमा में इजाफा कर सरकार ने मिडिल क्लास को लुभाने की कोशिश की है। इससे पहले आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण का भी सरकार ने ऐलान किया था। यानी ये कह सकते हैं कि आम आदमी को लुभाने के लिए सरकार ने बड़ा दाव चल दिया, लेकिन हकीकत में चुनावों में इसका कितना फायदा मिलेगा ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बिल्कुल, आज तो मुद्दा में यही चर्चा की जाएगी। कल बजट निकल के आया था सरकार की तरफ से और उसके बाद काफी लोगों में खुशी भी देखी गई थी, लेकिन विपक्ष अपनी एक बात पर अड़ा हुआ था कि लोक लुभावन बजट सिर्फ चुनावों को ध्यान में देखते हुए
ये लेकर आया गया है। किसानों को भी कुछ नहीं दिया गया यहाँ पर और जो करदाता थे उनके साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ किया गया है। क्या वाकई ऐसा है? करेंगे चर्चा। कई मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ आज मुद्दा में चर्चा करने के लिए मौजूद है बीजेपी की तरफ से दिनेश सिंह जी, हमारे साथ कुछ ही देर में अनुज अत्रे जी कांग्रेस की तरफ से भी जुड़ेंगे, शिवराज सिंह जी अध्यक्ष बाकी लोक शक्ति के भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और गोविंद पंतराजू जी सलाहकार संपादक एपीएन के हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ गुंजन मेट जी भी आज इस चर्चा में मौजूद हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से भी जो लोग क्या सोचते हैं वो अपनी राय यहां पर बताएंगे इस बजट को लेकर। तो आम लोगों की भी राय हम यहां पर अपने साथ जोड़ने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले दिनेश जी, सरकार कह रही है कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट हम लेकर आए हैं, गरीबों का ध्यान रखा गया है यहाँ पर, किसानों का ध्यान रखा गया है यहाँ पर, करदाताओं का ध्यान रखा गया है, हर किसी का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष आपत्ति जता रहा है, विपक्ष कह रहा है कि आपने चुनावों को ध्यान में रखा है, किसान किस तरह से आपके विरोध में थे उसी को लेकर आपने किसानों को झुंझुना पकड़ा दिया और करदाताओं को भी, इसका जवाब दे दीजिए फिर आगे बढ़ो। नहीं, मुझे नहीं लगता, असल में कांग्रेस पार्टी तो पहले से कंफ्यूज है और कल के बजट के बाद तो पूरी तरह से कंफ्यूज है। जिस तरह से उनके नेता सदन में दिख रहे थे, उनके चेहरे के भाव को आप पढ़िए, चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई हैं, आप राहुल गांधी को दिखा रहे हैं, हाँ हाथों से तोते उड़े हैं, एकदम समझ में ही नहीं आ रहा था। उसका कारण एक था कि कल मैं भी प्री बजट चर्चा पर बैठा था, बजट के पहले, तो जितने भी अर्थशास्त्री थे जब उनसे चर्चा की जाती थी कि आपको क्या क्या लगता है कि टैक्स स्लैब में क्या छूट मिलेगा, तो लोगों का अनुमान यह था कि इस बार टैक्स स्लैब आपको 3 से 3.25 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन ठीक एक घंटे बाद बजट प्रस्तुत होने लगा तो वो लोग भी तालियां बजाने लगे, उनको भी नहीं पता था कि इस तरह का बजट आएगा। एक तो कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही इस बजट को करे क्या, उन्हीं के नेता में अलग अलग विरोधाभास है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, एक कह रहे हैं कि एक और जुमला, दूसरे उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि कार्बन कॉपी है। तो पहले आपस में तय कर लें कि वास्तव में है क्या। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो माननीय मोदी जी ने सर्व समाज को दृष्टि में रखते हुए ये बजट प्रस्तुत किया है, एक दूरदर्शी बजट है, सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसके अनुसार ये बजट है, और इसमें सभी को, जवानों को, किसानों को, नौजवानों को, सबका ख्याल इस बजट में रखा गया है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, हम देख रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से जब प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई थी, अखिलेश जी कह रहे थे कि ये बजट कुछ नहीं है, लोगों को धोखा देने का बजट है और कुछ नहीं है, ऐसा आपको क्यों लगा? आम लोगों की जो प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है वो तो इस बजट से काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहली बात तो ये है कि देश को संविधान के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी नहीं है। मूलतः सबसे बड़ी बात यह है कि ये 5 बजट अपना पूर्णकालिक पेश कर चुके थे और ये अंतरिम बजट था। हाँ। अंतरिम बजट जब भी पेश होता है तो उसके अंतर्गत कोई बड़े नीतिगत फैसले नहीं लिए जाते हैं और डायरेक्ट टैक्सों को तो एकदम ही नहीं छुआ जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स को भी अगर आप छूते हैं तो उसमें मामूली अंतर आप कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस अंतरिम बजट को भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के रूप में संसद की पटल से जारी किया है, जो कि बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत की है। कल को जब दूसरे की सरकार आएगी और वो अंतरिम बजट अपने चुनावी समय समर में जाने से पहले घोषित करेगा तो वो इनसे कहीं ज्यादा बड़ी पेश कर देगा। ये मैं एक नीतिगत बात बता रहा हूं कि ये भारतीय संविधान के विपरीत है। अब आ गई दूसरी बात। अच्छा। दूसरी बात आप देखिए किसानों के साथ किस तरीके का छलावा इन्होंने किया है। ये जो 6,000 रूपए 3 किस्तों में 2,000 रूपए की दे रहे हैं, पहली किस्त जो है वो चुनाव से पहले 2,000 रूपए इनको देने जा रहे हैं, ये चुनावी रिश्वतखोरी है जिस तरीके से ये दे रहे हैं। ये 30 साल का विजन पेश कर रहे हैं, 1 साल की बजट पेश कर नहीं सकते थे, 3 महीने का बजट पेश करना था, लेकिन बावजूद इसके देखिए किस तरीके काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश के अंदर थी, आज से 5 साल पहले ही हम लोगों ने किसानों को 500 रूपए प्रतिमाह समाजवादी पेंशन देने का काम किया था, यानी 6,000 रूपया सालाना देने का काम किया था, और 2017 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में हमने कहा था कि 2,000 रूपए हम इसको देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। तो ये ऊंट के मुंह में जीरा किए हैं जो हमने 5 साल पहले दिया था, और अब हम देते तो 2,000 देते। तो कपीश जी, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि ये रिश्वत देने का काम किया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम किया, ये है क्या? स्टैंड पहले क्लियर करिए आप। नहीं, यही तो
हिमांशु जी यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें किसानों को देना चाहिए था नहीं देना चाहिए था ये बताओ पहले। और अगर अगर ये कहते हैं कि ये इनका चुनाव ये अगर ये कहते हैं कि ये बजट है तो मैं ये कहता हूँ कि ऊंट के मुंह में जीरा आपने आपने किसानों के मुंह में डालने की कोशिश की है। आपने 4.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए माफ कर दिया चंद उद्योगपतियों का जो सिलेक्टेड थे, और आप जो है किसानों का ऋण माफ करने के लिए अभी आपने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का मात्र 4,000 करोड़ रुपए का ही ऋण माफी की योजना चलाई जबकि 35,000 करोड़ की आपने घोषणा की थी। तो ये किस तरह का चेहरा लेकर चलिए ठीक है, एक मिनट आपका आपने जो इतनी बातें यहाँ पर रखी हैं किसानों के लिए, आपके अंदर इतनी हमदर्दी यहाँ पर निकल के सामने आ रही है, नीति पर भी सरकार के आप सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। अब शिवराज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। शिवराज जी सबसे पहले तो आप ठीक है आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन आप यहाँ पर किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप इस बजट को किसानों के लिए किस तरह से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जो सरकार से किसान लंबे वक्त से मांग करते आ रहे थे उन मांगों पर ध्यान दिया गया इस बजट में? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, शुक्रिया। दूसरा, जिस उम्मीद के साथ बढ़िया सरकार देश के किसान और मजदूरों ने बनाई उस सरकार का धन्यवाद, क्योंकि वास्तव में उन्होंने ऊंट के मुंह में जीरा डालने का काम किया और यह किया कि ऊंट का पेट भर जाएगा और किसानों को जिंदा रखने के लिए मुगली गुट्टी भी देने का काम किया। मैं यह कहता हूं किसान को इस देश की सिस्टम ने भिखारी क्यों बना दिया। माननीय स्वामीनाथन आयोग ने 1996 में अपनी रिपोर्ट लागू कर दी थी। मैं देश से यह सवाल करता हूं कि किसान को 1996 से लेकर के आज तक जितने घाटे में उनकी फसल खरीदी गई है उसका हिसाब लगा करके देश दे दे। किसान को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, उल्टा किसान इनको कर्ज दे देगा। अच्छा, आज 6,000 रुपए उसके खाते में डाले जा रहे हैं। इस महंगाई में 6,000 रुपए से एक बच्चे का अगर घर में बीमार हो जाए तो एक इलाज नहीं हो पाएगा। मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ, पिछला बजट पेश हुआ जिसमें सारी मीडिया ने किसान बजट चिल्लाया और वो बजट कहाँ गया? सुन लो एक बार, किसी को एमएसपी नहीं मिला, किसी को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला। देहात में जो सरकारी संस्था है, स्कूल है और सरकारी अस्पताल है, उनको तो कैंसर का रोग हो गया है। जो रोजगार है उसको टीबी का रोग हो गया है, और जो किसान की फसल खरीदने का सिस्टम है उसको हेपेटाइटिस बी हो गई है, शुगर हो गया है। इनका इलाज ही नहीं किसी के पास। किसान इतना दब चुका है, इतना मेहनत करते हुए, सबसे बुरा खाते हुए, सबसे बुरा पहनते हुए, सबसे ज्यादा मेहनत करते हुए। अच्छा नहीं, मैं एक बयान के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं, जो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 17 रुपए कांग्रेस क्या कर रही है समाजवादी, इन्होंने किसानों को 17 रुपए देकर खिलवाड़ किया गया, मजाक उड़ाया। अगर कांग्रेस बढ़िया काम करती या और सरकार बढ़िया काम करती तो हमको सत्ता परिवर्तन करने की क्या जरूरत पड़ती? हर स्टेट में भाजपा को जिताया, केंद्र में भाजपा को बम्पर बहुमत से लाए, क्या इसी उम्मीद से लाए कि लास्ट में तुम हमें जो है 6,000 रुपए का वो दे देना तोहफा जा करके? आज क्या 6,000 रुपए में एक मंत्री की एक बार में बूट पॉलिश हो जाती है? और दूसरी बात बता दे, सुनो, दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ देखो, मीडिया वाले बार बार दिखा रहे हैं कि मेज थपथपाई जा रही है। जब ये अपनी तनख्वाह अपने आप बढ़ाते हैं, अपना वेतन भत्ता अपने आप बढ़ाते हैं, किसी से पूछते नहीं, कोई राजनीतिक दल कोई पक्ष विपक्ष मेज नहीं थपथपाता, किसी को सुनाते तक नहीं। और मैंने तो यहां तक सुना है, असलियत को परमात्मा जाने और मीडिया जाने, कि एक एक आदमी 6-6 पेंशन ले रहा है, विधायक की अलग, सांसद की अलग, मंत्री की अलग, मुख्यमंत्री की अलग, और फिर राजपाल का वेतन इतना ये ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई? अच्छा, देश को अच्छा, क्यों खा रहे हैं देश को? मेरे को बताइए शिवराज जी कि कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनका इतनी ज्यादा फसल उनके निकल के सामने नहीं आ पाती। कल कई एक्सपर्ट इस पर चर्चा कर रहे थे कि उनके लिए 6,000 बहुत बड़ी बात है। और कुछ 500 रुपए महीने में उस किसान पर कोई आपदा आ गई, जिस जो किसान घाटे की, जो 2 हेक्टेयर का किसान, जो 2 हेक्टेयर का किसान घाटे का सौदा कर रहा है, आज खेती करना पाप हो गया है, किसान के घर में जन्म लेना, किसान के घर में जन्म लेना पाप हो गया है, किसान कह रहा है पाप हो गया है, वो 500 रुपए में क्या कर लेगा? किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, ऐसा ना कहिए, पाप हो गया भाई। अन्नदाता कहते हैं, किसान देवता कहते हैं, किसान का पाप हो गया दुश्मन हो गया। हर आदमी खेती से पलायन कर रहा है। गुंजन जी आपके पास आना चाहता हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं। मैं आम लोगों का नजरिया हम लोग यहाँ पर पहुंचा रहे हैं ताकि नेताओं को भी समझ में आए कि आम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हुए हैं। आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, मेरे हिसाब से तो ये एक प्रोग्रेसिव बजट है। उसका रीजन ये है कि मध्यम वर्ग को क्या चाहिए होता है कि एक उनको रिस्पेक्टेबिलिटी मिले,
सो मेरे ख्याल से पहली बार भारत के लोकसभा में ये पहली बार हुआ कि किसी मंत्री ने एक हमें थैंक यू बोला जो टैक्स पेयर्स को, दैट इज अ गुड थिंग। ये एक ऐसी चीज थी जिससे एक आम आदमी, एक बंदा कम से कम एक्नॉलेज तो कर रहा है कि हाँ हम लोग टैक्स पेयर्स को उन्होंने एक थैंक्स बोल के एक देर इज एक उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि उसके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़े। सो क्लियरली मेरे को तो कोई भी इकोनॉमिस्ट ये बता सकता है कि कैसे इस बजट से मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ रही है। अच्छा, डिस्पोजेबल इनकम मेरे पास बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि मैं उसको खर्च करूंगा। जब मैं खर्च करूंगा तो वाकई वो पूरी चीजें इकोनॉमी में आएंगी। जब वो इकोनॉमी में आएंगी तो भाई एक चक्र पूरा कंप्लीट होगा। हम लोग सब जगह आज के डेट में बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं कि लोग कहते हैं या एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो पैसा तो जब आप लोगों को देंगे खर्च करने के लिए तभी तो आएगा। सो इट इज अ गुड मूव। ये तो एक ऐसा मूव है जिससे कि हम क्लियरली हमारे पास पैसे बढ़ रहे हो। ये भी कहना गलत है कि सिर्फ 5 लाख तक के लोगों के लिए, भाई जिनकी आठ दस लाख तक की जिनकी इनकम है डेफिनेटली उनको भी फायदा होगा। सो मध्यम वर्गीय परिवार क्या चाहता है कि उसके संसाधन बढ़े, तो और उसकी वो एस्पिरेशनल क्लास है। तो एस्पिरेशनल क्लास के लिए तो सबसे अच्छी चीज है कि उसके पास पैसा निकल कर आ रहा है खर्च करने के लिए। खर्च होगा, जाहिर सी बात है इकॉनमी में फायदा होगा। सो मैं इसको एक प्रोग्रेसिव बजट देखता हूं। जहां तक बात है कि ये 3 महीने का बजट है या 4 महीने का बजट है, फुल बजट है, उन्होंने कहीं ये बात नहीं कही है कि पूरे साल का बजट है। उन्होंने 3-4 महीने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल रखा है और जाहिर सी बात है जुलाई में जब नई सरकार आएगी दे विल बी वो अपने तरफ से पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगी अपनी पॉलिसीज लाने के लिए। सो एक अच्छा मूव है और जाहिर सी बात है चुनावी समर है तो ये एक उनकी तरफ से एक एक एक, एक तरीके का एक तोहफा भी है। सो बट ये तोहफा आज तक कौन सी पार्टी ने नहीं दिया है? क्या दूसरी पार्टी होती, क्या वो ऐसा तोहफा नहीं देती? तो मेरे मानने से तो दूसरी पार्टी क्या वो ऐसा तोहफा नहीं देती? अनुजात्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। अनुजात्रा जी बताइए क्यों विरोध यहाँ पर किया जा रहा है? चलिए ठीक है, किसान कह रहे हैं ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम किया, कम से कम जीरा तो दिया यहाँ पर। जीरा कुछ 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 तो धन्यवाद जीरा देने के लिए। अच्छा ठीक है। हाँ अनुजात्रा जी किस बात का विरोध? देखिए विरोध नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो ये मंशा इन्होंने दिखाई है जाते जाते, क्योंकि अब ये सरकार से जा रहे हैं और जिस प्रकार से एक ये इन्होंने एक इसको बजट ना कहा जा जाए, हम तो ये कहते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक तरह से जो मैनिफेस्टो पढ़ दिया है, क्योंकि इनको मालूम है अब ये जा रहे हैं 100 दिन से कम शेष रह गए इनकी सरकार के, और जाते जाते अब ये देश की जनता को इतना मूर्ख समझ रहे हैं कि ठीक है 57 महीने इनको देश की जनता का ख्याल नहीं आया। जो ये कल इंटरिम बजट में इन्होंने जो चीजें शामिल की हैं, जो रिलीफ देने की कोशिश की है इन्होंने, हम पूछना चाहते हैं पिछले बजट में क्यों नहीं था? जो पूरा पूर्णकालिक बजट था उससे पहले के बजट में क्यों नहीं शामिल किया गया? अगर ये किया गया होता तो देश की जनता को कम से कम इन साल 2 साल में कुछ तो राहत मिल जाती। देश की जनता जो ये जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बैठी है हर चीज से त्रस्त है। जितने ये वायदे करके आए थे, जो ये अच्छे दिन का ये सपना दिखा के लाए थे, उसका उलट कर दिया इन्होंने सब चीजों से। तो देश की जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्षी दल की सरकार से आपका ये सवाल हो गया, ये सवाल का जवाब ले लूंगा बीजेपी से। मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लूंगा बीजेपी से, लेकिन मेरे को एक बात बता दीजिए, जो करदाताओं के लिए यहाँ पर सहूलियत दी गई है किसानों के लिए, क्या आप इसका विरोध करते हैं? नहीं देखिए विरोध किसने किया, हम तो जो जो कहा जा रहा है कि 17 रुपए में होता क्या है। हाँ मैं वही, मुझे पूरी बात कहने दीजिए, इसको आप विरोध ना कीजिए। हम तो कहते हैं ठीक है अच्छी बात है, की है देर आए दुरुस्त आए और जाते जाते आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कुछ देना था तो कुछ ऐसा तो देते कि जो किसान का उससे भला हो पाता। आपने जो है पहले तो इसमें कोई प्रावधान नहीं किया कि ये पैसा आएगा कहां से। ये बजट में आपने कहा कि जी हम कर्जा लेकर के किसानों को ये पेंशन देंगे 17 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। अगर 5 जनों का परिवार उस गरीब किसान का है तो 17 रुपए में क्या खाएगा और क्या खिलाएगा, इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। बावजूद उसके आपने 20,000 करोड़ रुपए कहा जी हम पहले साल कर्जा लेंगे, दूसरे साल 70,000 करोड़ रुपए कर्जा लेकर के हम किसानों को ये 17 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेंशन देंगे, तो ये कौन सी आपने पेंशन, और वो भी उसके किसी काम नहीं आ रही है। आपने कहा कि ठीक है हम जो है मध्यम वर्गों को ये सहूलियत दे रहे हैं 2.5 लाख से 5 लाख रुपए करने जा रहे हैं। अब ये 3 महीने का कार्यकाल शेष रह गया, अगर ये पिछले साल दिया होता तो जो गरीब जो मध्यम वर्गीय परिवार है, ठीक है इस बारे में इसका जवाब मैं ले लूंगा, लेकिन इसका जवाब मैं ले लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं गोविंद जी से एक कमेंट ले लेता हूं यहां पर। गोविंद जी आपका विश्लेषण यहां पर क्या कहता है इस बजट को लेकर और तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पक्ष विपक्ष की तरफ से उसको?
देखिए मुझे लगता है कि ये बजट चाहे अग्रगामी इसको हम अंतरिम बजट कहें चाहे चुनावी बजट कहें, लेकिन ये बजट जो है वो अग्रगामी बजट ये आगे की सोचता है और बहुत आगे तक की बात करता है। दुर्भाग्य है कि हमारे जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सरकार के किसी काम को हम सरकार का काम मानने के बजाय पार्टी का काम मानकर चलते हैं और इसीलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों को सब नकारात्मक दिखता है। अगर हम इसको सरकार का काम मानकर देखें तो निश्चित तौर पर चुनाव होगा, हो सकता है कि जनता का निर्णय किसी दूसरी सरकार के पक्ष में हो, कोई दूसरी सरकार आएगी। नीतियां और व्यवस्थाएं आगे चलते रहें इसके लिए बजट होता है और ये इस बजट में ये सोच बिल्कुल साफ दिखाई देती है। अब अगर ये कहा जाए कि साहब ये इस बार क्यों दिया गया, ये पहले क्यों नहीं दिया गया, तो सवाल ये भी हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू के पहले बजट में ही गरीबी खत्म करो का नारा क्यों नहीं दे दिया गया। हर चीज वक्त के हिसाब से होती है, जरूरत के हिसाब से होती है, जैसी समाज में मांग होती है, समाज की जरूरत होती है और देश की अर्थव्यवस्था चलाने वालों के की समझ में उनके उनको ये लगता है कि हम ये कर सकते हैं, तब चीजें होती। 6000 को 12000 करने में सरकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता था अगर ये कहा जाए कि ये सिर्फ चुनावी बजट है, लेकिन वो पैसा उसकी भरपाई कहां से होती, क्या उसका फिजिकल डिपोजिट पे सीधे सीधे असर नहीं पड़ता, क्या देश के हर व्यक्ति पर एक तरह से कर्जदारी का बोझ नहीं बढ़ता। तो सरकार राजकोषीय घाटे को भी बैलेंस पे रखती है, चीजों को भी आगे चलती है। और अब किसान नेताओं के बारे में ये जरूर है कि जो किसान नेता होते हैं वो वस्तुतः एक अपर स्ट्राटा से आने वाले लोग होते हैं, वो बिल्कुल जो किसानों का सबसे नीचे का वर्ग है उस वर्ग से नहीं होते हैं। जिस किसान को साल भर की अपनी खेती से एक धेले का बेचने के लिए जिसके पास नहीं होता, जो साल भर की खेती से अपना मुश्किल से 3 महीने 4 महीने का खाना खा कमा सकता है, उस किसान के लिए क्या ये 6000 रुपए का कोई महत्व नहीं। और फिर सामूहिक तौर पर आप सोचिए कि 70-75 हजार करोड़ रुपया अगर अर्थव्यवस्था में आएगा और वो खर्च करने के लिए आएगा तो क्या उसका पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं होगा। आप एक मुफ्त एक झटके से क्या सब कुछ सीधा कर सकते हैं? अगर इसका तो जवाब गोविंद जी आपने दिया, ये सीधा कर समाजवादी पार्टी एक समस्या होती है। देखिए मैं आपके आपकी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, पहले मुझे मेरी बात कहने दीजिए फिर आप अपनी बात रखिएगा, मैं आपकी बात का पूरा जवाब दूंगा। आप बीच में मत टोकिए, आप बोले थे तो किसी ने आपको नहीं टोका था। तो ऐसी स्थिति में एक बात बिल्कुल साफ है कि हर सरकार अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपनी समस्याओं को देखकर, अपनी जेब को देखकर बजट का निर्धारण करती है। और अगर इस सरकार ने चुनाव के वक्त इसको बिल्कुल चुनावी बजट के तौर पर भी रखा है तो इसमें बुराई क्या है? सरकार अभी सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए अगर वो लोगों के कल्याण के जरिए कोई बड़ी घोषणा करके लोगों का दिल जीतने की बात करती है तो इसमें बुराई क्या? विपक्ष भी तो कर रहा है, विपक्ष तो कह रहा है हम आ गए तो हम ये दे देंगे, हम आ गए तो हम ये कर देंगे, हम आ गए तो हम ये कर देंगे। सत्ताधारी दल सत्ता में रहते हुए कुछ कर रहा है तो उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। इस पर कोई आपत्ति का नहीं, गोविंद जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाए गए नहीं मानता। गोविंद जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाए गए कि अंतरिम बजट को आपने मैनिफेस्टो की तरह से यहाँ पर पेश कर दिया, आप ये सारे ऐसे फैसले यहाँ पर नहीं ले सकते जिससे अर्थव्यवस्था पर या फिर करदाताओं पर या फिर किसी तरह से कोई बदलाव यहाँ पर कर सके, उसका क्या जवाब होगा? देखिए निश्चित तौर पर अंतरिम बजट को पूर्ण बजट के तौर पर ही लिया गया और बल्कि मैनिफेस्टो के तौर पर लिया गया, ये बात बिल्कुल सही है। आप देखिए तो बजट की शुरुआत में जब जो कार्यवाहक वित्त मंत्री थे उन्होंने जो उनका भाषण था, बहुत वक्त तक तो ये लग रहा था कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का उसको रिपीट कर रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों का इस तरह से जिक्र कर रहे थे। लेकिन उसके आगे जो कुछ हुआ मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नियमों से हुआ और अगर उसमें कोई आपत्ति है तो आने वाले दिनों में संसद में चर्चा होगी, संसद में उस पर बात भी होगी। अच्छा, लेकिन सरकार ने जैसे कि मध्य वर्ग को ही जो 5 लाख से ऊपर के जो टैक्स की बात है उसके बाद वित्त मंत्री ने जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि पूर्ण सरकार आएगी उसके बाद इसमें इस समस्या को भी देखा जाएगा। अभी जितनी लिमिटेशंस के बीच में जो गुंजाइश थी उसी के आधार पर काम किया गया। दिनेश जी अब मैं आपके पास आना चाहूंगा, अनुजात्री जी ने भी सवाल यहाँ पर उठाए थे, कपीश जी ने भी यहाँ पर सवाल उठाए थे और उनका सवाल यहाँ पर यही था कि जो आपने अभी किया है वो आप पहले भी कर सकते थे, आपने काफी कुछ बदलाव कर दिया, आपने अंतरिम बजट को मैनिफेस्टो की तरफ से फिर अभी हम लोग बैठे हैं। वैसे तो इसका जवाब हमारे दोनों साथियों ने दिया जो राजनीतिक नहीं है, गोविंद जी ने भी दिया और दूसरे कि देखिए हर चीजें है ना जो अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बात करूं, वो कह रहे हैं हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे, अगर हम आएंगे
तो भैया आप आए हुए थे ना, छह दशकों तक आप ही आप थे नीचे से ऊपर तक, पंचायत से नहीं, एक कुछ नहीं बोल रहे हैं, पंचायत से लेकर और सर्वश्रेष्ठ पंचायत तक आप ही थे, तो नहीं कर पाए। जितना हमसे कंडरा बना, हम जब जिस दिन से हम सत्ता में आए हैं हम उस दिन से कर ही रहे हैं और आज भी हमने किया है। और हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि आप संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। संविधान वही निर्मित होता है जहां आप बैठे हैं, जहां इसकी चर्चा होगी। अगर कोई गैर संवैधानिक काम हमने किया है तो आप वहां प्रश्न खड़ा करिएगा। हमारी सरकार ने कोई गैर संवैधानिक काम नहीं किया, नंबर एक। दूसरी, आप कहते थे कि इसको आप पहले कर देते, आज हमने किया है तो आज तो पीठ थपथपाइए, इसको आप पहले कर। अरे अभी आप कुछ बहुत कुछ करना है, जो अगले साल करना है उसको आप कर दिए, नहीं इसी साल हम कर देंगे। और एक चीज बड़ी कॉमन सी बात है कि जो अर्थव्यवस्था है, जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, जो आपके पास भेजता है, बहुत साधारण सी भाषा में हम समझें कि अगर हमारे पास 100 रुपया है तो उसी 100 रुपया में ही हमको बांटना है कि किसको रक्षा को कितना देना है, किसान को कितना देना है, रोड को कितना देना है, रेल को कितना देना है। ये तो है नहीं कि जब सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था है, जो टैक्स है उसी टैक्स में ही बंटवारा करना है। हाँ ये बात जरूर है कि बाकी बंटवारा लोग अपने परिवार के लिए करते थे, अपने लिए करते हैं। ये पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो परिवार और अपने लिए काम नहीं कर रही और राष्ट्रहित के लिए काम कर रही। और दूसरी चीज जिसको हमारे किसान नेता ने भी बात उठाई है, आगे फिर वही उठाएंगे। देखिए एक कृषि प्रधान देश है, मैं आपसे कह रहा हूं इस देश में किसानों के लिए जितना भी किया जाए वो कम है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। और आपने खुद कहा कि 96 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, क्यों नहीं लागू की गई? क्यों नहीं? अगर ये लागू उस समय कर दी गई होती तो या जो बजट बिल्कुल आज जो बजट की बात हो रही, जो आप कह रहे हैं कि कर्ज माफ कर दिए, कर्ज माफ कोई सलूशन नहीं है, कर्ज माफ कोई सलूशन नहीं है। ये व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है कि कैसे किसान कर्ज के जाल में पड़े नहीं और एक दिन में परिवर्तन नहीं हो सकता, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो बजट में जो भी चीजें निकल के सामने आती है वो एक अप्रैल से लागू होने की बात आती है, लेकिन दिसंबर से यहाँ पर शुरुआत हो रहा है, तो ये पूरा बदलाव आप लोगों की तरफ से नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। देखिए और दूसरी चीज ये भी है, 6000 की बात अभी कर रहे हैं तभी हम लोग नहीं, तो ये एक तरह से चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरा कदम नहीं है। ये चीज हम जरा सर, हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी चुनाव को देखकर निर्णय नहीं करती। इस चैनल पर भी हमने कहा कई बार कि अगर हम चुनाव देख के हम निर्णय करते होते तो देश में शायद नोटबंदी ना करते, अगर हम चुनाव को देख के निर्णय करते तो शायद जीएसटी ना लाते, अगर चुनाव हाँ। लेकिन एक बात और है कि जो बात करें, निश्चित तौर पर जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका प्रभाव चुनाव पे पड़ता है। अगर एक अच्छा बजट आया है तो परिणाम निश्चित तौर पर चुनाव पर आएगा। ठीक है, शिवराज जी के सुन लेता हूं, उसके बाद आते सब आता हूं ना। जो 6000 कह रहे हैं, पहले तो उसको क्लियर करना। जमीन मेरे बाबा के नाम है और पोते 6 हो गए, बाप के भी नाम नहीं आई और बालिग है, शादी हो गया, अलग अलग खेती कर रहे हैं बंटवारा करके, तो 6 बच्चों को अगर वो पैसा बांटते तो 1000 खाते में आता है, जबकि 6 किसान है अलग अलग खेती कर रहे हैं। दूसरा इनकम टैक्स की बात बता रहा हूं और इसकी जानकारी कर लेना, जिस किसान ने आज से 10 साल पहले जमीन खरीदी, चाहे उसने अपना सोना या जेवर गिरवी धरे या रिश्तेदार से लिया, आज उन पर इनकम टैक्स के नोटिस जा रहे हैं। डाक व्यवस्था ऐसी है, जब तक नोटिस नहीं पड़ता उस किसान पर इनकम टैक्स विभाग जुर्माना बोल रहा है। केंद्र सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग उनके यहां। दूसरी बात, हमें आज ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी हुकूमत में जी रहे हूं। अंदर की देश की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, एक गुडम्बा कंपनी है, हजारों किसानों का लखनऊ में पैसा गोल कर गई और लखनऊ गुडम्बा थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी, एक दिन मैं गौतम नगर एक एसपी देहात क्या करिश्मा देख रहा था, बहुत किसान बाहर खड़े थे और एक चपरासी ने उन्हें रोक रखा था, धक्का मार के मैं भीतर गया, सुनो धक्का मार के मैं भीतर गया, तो सरकार ये कहता है मैं सरकार का नौकर हूँ, जनता का नौकर नहीं हूँ, मैं जनता को सुनने के लिए नहीं बना। सरकार मेरा समय बर्बाद मत करो, सरकारी समय बर्बाद मत करो, ये व्यवस्था है देश की। आज भी हमें ऐसे लगता है कि अधिकारी हमें गुलामों की नजर से देखते हैं पूरे देश, लेकिन जबकि अधिकारियों पर यहाँ पर शक्ति की सरकार लगातार बात नहीं, शक्ति अंदर शक्ति नहीं है। दो सवाल इनके हैं, दोनों का 30 सेकंड में जवाब, चौकीदार नहीं मिलने देता किसी से, 30 सेकंड में जवाब बोलिए। निश्चित तौर पर इनकी जो बात है कि हम सब भी किसान के यहाँ से, हमारे भी दादा के नाम में जमीन है, पिताजी के नाम पे नहीं आई, हमारे नाम पे नहीं आई, तो जो फायदा मिलेगा वो तो सरकार ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था के अनुरूप ही मिलेगा। कोई भी काम है, अभी आपने कहा गया है कि नहीं हम घर देंगे, तो घर उसको देंगे जिसके पास छत नहीं है। अगर आप कह दीजिए और आगे चल के हो रहा है कि अगर उनके 4 बेटे हैं, चारों बेटे अलग अलग रह रहे हैं, तो चारों बेटों को छत दिया जा रहा है, ये व्यवस्था सरकार कर रही है। और दूसरी चीज, ये समाज की विडंबना है, जो हमारे किसान नेता की पीड़ा है, हम सबकी पीड़ा है, इस तरह के समाज में हो गई, समाज सत्ता का कोई डर ही नहीं, वो समाज के नौकर हैं, वो कहते हैं हम सरकार के नौकर हैं। निश्चित तौर पर आज नौकर अपने आप को अफसर, अफसर शब्द है ना, वो सेवक शब्द कहां है? ये सरकार ने, समाज की भी विडंबना, हमारी आपकी विडंबना है।
और वीरमणा को निश्चित तौर पर जवाबदेही बनाएगी सरकार। तमाम हालातों को देख के ये फैसले लिए जाते हैं। देखिए विडंबना की बात कर रहे थे अभी दिनेश जी, तो बहुत बड़ी विडंबना देश की ये है कि ये सरकार इस समय जो मोदी सरकार है यही सबसे बड़ी देश के लिए विडंबना है। आज इन्होंने बहुत बड़े अपने अपने जो है चुनावी घोषणाएं कर दी हैं इस बजट के माध्यम से। हम ये पूछना चाहते हैं, आप कहते हैं जी हमने तो वो कर दिया जो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया। निश्चित तौर पर आपने वो कर दिया जो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया। आपने तो देश को विकास की राह से विनाश की राह पर डाल दिया। मैं थोड़े से हिमांशु जी अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं 2-3 आंकड़े पेश करना चाहूंगा जिस पे अपनी तपा रहे थे। एक्सपोर्ट की बात की जा रही थी कि सरकार में हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था। तो जिस समय 2013-14 में अगर एक्सपोर्ट में बताऊं तो 19 लाख करोड़ रुपए यूपीए की सरकार में हम लोग हमारा देश एक्सपोर्ट करता था, और इनकी सरकार में अब आते आते 2018 का अगर आया तो 19 लाख करोड़ रुपए से घटके 10 लाख करोड़ रुपए एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारी ये हालात हो गई। और इंपोर्ट में अगर हम इंपोर्ट में बात करें खासतौर से कृषि इंपोर्ट में, हम इंपोर्ट करने वाले देश बन गए हैं। जो चीज हमारे यहां सबसे ज्यादा बनती है हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक पाकिस्तान से हम चीनी और कपास तक आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं। उस समय इंपोर्ट $15 बिलियन होता था जिसको इस सरकार ने बड़ी तेजी से बढ़ा करके $25 बिलियन कर दिया। ये सरकार ने इस देश को ग्रोथ दी है। ये बात करते हैं मुझे बहुत कम समय दिया, मुझे मेरी बात पूरी करनी है, प्रॉपर मैं वक्त दे रहा हूं। ऐसी बात नहीं है। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं जवाब देखिए। ये बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। जीडीपी ग्रोथ तो इन्होंने नोटबंदी के समय ऐसी गिरा दी कि वो आज तक संभलने का टाइम नहीं। 7.5 पर आ गए थे हम, 2% गिरा दी थी उसको। और इनको शायद मालूम नहीं है कि 2% जब जीडीपी गिरती है तो कितने लाख करोड़ रुपए का देश को नुकसान होता है। और आज ये बात करते हैं कि हम 7% जीडीपी ग्रोथ लेकर के जाएंगे तो किस आधार पे लेके जाएंगे, जब नीति आयोग कहती है कि देश में नौकरियों का ऐसा इस समय अभाव हो गया है कि 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया यूपीए इसकी एनडीए की सरकार ने, मोदी सरकार ने, कि इतनी कम नौकरियां है। 7.3% की दर से जो है बेरोजगारी देश में बढ़ गई है। ये रिकॉर्ड बेरोजगारी, आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं और आप बात करते हैं हम 7% से जीडीपी बढ़ाएंगे। कैसे फर्जी आंकड़े हमारे साथ यहां पर बस 10 सेकंड में जवाब दे दो, बीच में कोई बोलेगा नहीं। एक तो हम पे सवाल वो लोग उठा रहे हैं, हमारे बजट हमारे वित्त पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो पिछली सरकार में माँ बेटे दोनों किस बात पे जवाब दे। पिछली सरकार हमने कहा था कि ना बोले, हमने कहा था 10 सेकंड ना बोलेंगे। एक बोल एक मिनट, जरा जरा सर बेटे का तो एक, अरे अनुजी जरा सर जाइए, अनुजी जरा सर जाइए, ये जो आपके शाम अनुजी जरा सर जाइए, जरा सर बताइए, 10 सेकंड जाइए, सब बताएंगे, 10 सेकंड इंपोर्ट बढ़ा दिया, 10 सेकंड रुकिए, मात्र 10 सेकंड डिबेट होती है भाजपा कांग्रेस लड़के सारी डिबेट का, 10 सेकंड मांगा है, ऐसा नहीं करते, 10 सेकंड मांगा भाजपा कांग्रेस नहीं करते, 10 सेकंड मांगा है। हमने कहा कि वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो माँ बेटे दोनों जमानत पर है, किस पर जमानत पर है वो सबको पता है। तड़ी पार तो नहीं है, और दूसरी जमानत काफी जरा जरा रुक जाइए, 10 सेकंड हमने सिर्फ 10 सेकंड मांगा था, 10 सेकंड नहीं है, 10 सेकंड समय दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट आ रहे हैं। और दूसरा, और वो वित्त मंत्री सवाल उठा रहे हैं जो बाप और बेटे जमानत पर हैं। सुन अब आता हूँ आपकी बात। आज महंगाई को हमारी सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करके विकास दर को 6.6% पर लाया और जापान और फ्रांस को पीछे छोड़कर आज हम विश्व में 6थी अर्थव्यवस्था बने हैं। अगर नहीं दिखाई देता है तो कांग्रेस को ना दिखाई दे, ये हमारी उपलब्धि। और आप कह रहे हैं कि हमने क्या किया, सरकार की रिपोर्ट बता, हम बता रहे हैं कि बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी, नितिन गडकरी कहते हैं बेरोजगारी का, और इससे पहले कई बार मैं आपके साथ चर्चा में बैठा हूं, मैंने कभी आपको इस तरह से नहीं देखा। जवाब ले, इससे पहले मैंने आपको इस तरह से मैंने आपको कभी नहीं देखा है, हमेशा मैंने आपको शांत स्वभाव का देखा है, बड़े अच्छे से आप अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या। अभी आप थोड़ा सा मैं सुन रहा हूँ, नहीं सुन रहा हूँ आप, पता नहीं क्यों। अब दूसरी चीज बेरोजगारी की बात आई, कांग्रेस पार्टी में एक रोजगार का अवसर पैदा हुआ, अभी आप देखिए 4 दिन पहले एक रोजगार का अवसर खुला। पर्सनल कमेंट कहाँ है, रोजगार का एक अवसर आया ना, सुनिए ना किसको दिया इन्होंने, 3 क्यों हो गई बेरोजगार, बहन और बेटी को रोजगार दिया और एक परिवार की आपका नजरिया है, ये आपका नजरिया है। हमारे हमारा हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पकौड़े पेट्रोल की देश मत भी है, देश मत भी है, देश की नौकरी करता है, 6000 रुपए मिलते हैं, 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं,
प्राइवेट सेक्टर का मजदूर बहुत दुखी है, किसान मजदूर बहुत दुखी है। अच्छा ठीक है, किसी ने नहीं देखा प्राइवेट सेक्टर के मजदूर के साथ क्या होता है। छह महीने में कंपनी ब्रेक दे देती है, मात्र 6,000 रुपए देती है, 12 घंटे ड्यूटी लेती है। सरकार की तरफ से, कपिल श्रीवास्तव जी, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि महंगाई दर की जो बात यहाँ पर की जाती है 10 से 4.5 के करीब लिया है और उसके बाद तेज गति से विकास किया जा रहा है, काफी लोगों को अपने पीछे छोड़ा है। और जो कृषि बजट की बात यहाँ पर की जाती है वो कहते हैं पूर्व की सरकार का कुल आकार कृषि बजट का 1,21,000 करोड़ रुपए था और मोदी सरकार के शुरुआती 4 साल का 2,11,000 करोड़ और 2019-20 के लिए 1,41,000 करोड़ रुपए का बजट लेकर आए हैं। तो हर जगह हमने काम बढ़ाया है और लोगों को सहूलियतें दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर कहा जाए कि आम लोग किसानों को यहां पर ठगा जा रहा है तो उसके लिए आपके पास कुछ फैक्ट्स भी तो होने चाहिए और शायद समाजवादी पार्टी यहां पर रखना भी चाहेगी। रखिए हिमांशु जी, आपकी आवाज हमारे क्लियर नहीं आई कान में। आप किस, आपने क्या क्वेश्चंस किए हैं? कभी कट कट करके मैंने बहुत हल्की हल्की चीजें सुनी है, हो सकता है थोड़ा हम इतर भी चले जाएं। सरकार महंगाई दर कम करने के बावजूद विकास तेज गति से कर रही है, कृषि बजट से लेकर डिफेंस बजट हर बजट काफी कुछ हद तक बढ़ाया है, बहुत ज्यादा बढ़ाया है। बजट देखिए हिमांशु जी, सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि इस सरकार ने जो बजट पेश किया है, इसने इस बजट को दूसरे आने वाली नई सरकारों को पूरा करने के लिए उनके कंधों पर उद्घोषणा की है। सर आप बदल सकते हैं ना, आप बदल सकते हैं ना, साल तक तो क्या डर रहे हैं आप? अरे आपकी सरकार आएगी आप बदल सकते हैं। छठवें बढ़िया बजट आपने अंतरिम पेश किया है तो इन्होंने उसमें मीठी गोली खिलाने का काम किया है। अब पहले पहली पूरी बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, मैं बोलिए। अच्छा बोलिए, नहीं सुनेंगे, सब सुनेंगे। आंकड़े पेश कर रहे हैं, ये आंकड़ों के खिलाड़ी हैं, ये आंकड़ों के बाप सही आंकड़े दीजिए, वित्त मंत्री जो रहे हैं यशवंत सिन्हा जी, वर्तमान समय में जो स्वामी साहब है वो बताते हैं कि किस तरीके से ये फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने आधार वर्ष में परिवर्तन कर दिया, जिस तरह से आपने बास्केट ऑफ कमोडिटीज में आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर के भारांक को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भारांक से के में अंकों में परिवर्तित कर दिया, तो आपने जुमलेबाजी तो की है। आप एक बात बताइए कि मुद्रा स्फीति की दर इस समय अगर 4% से कहीं ज्यादा नीचे है, कारण यही है कि बेरोजगारी की दर बढ़ी है। नोटबंदी के अंदर इन्होंने देश को 3,00,000 करोड़ रुपए 1% की जीडीपी डाउन आने से होती है और इन्होंने फर्जी जीडीपी दिखाई है। दूसरी बात बता दें कि जब डॉलर का दाम रुपए के दाम से कहीं ज्यादा अधिक है, जब बेरोजगारी जो है 45 साल के सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है और इस समय 2014 में 2.73 थी और इस समय जो है 6 point something है और ये उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पेट्रोलियम के दाम बढ़े, सरकार दावा कर रही है कि अब लोग जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं, दाम बढ़ गए बिजली की, सरकार दावा कर रही है कि जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं। मुझे एक बात लग रही है, विपक्ष की बात करके देखिए, ये मौजूदा सरकार के बजट से डर रहे हैं और इनकी सरकार होती तो इतना भी नहीं करती, ये उनके मुंह में जीरा भी नहीं डालती, ये तो डर रहे हैं कि हमारे कंधों पे भार डाल रही है, ये इतना भी करने को राजी नहीं है। आपने जो परोसा है वो हमारे भी सामने आएगा और यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं उनके भी सामने वही आएगा। बिल्कुल डर रहे हैं, हमको परोस कर तो गए थे, ऑयल बांड जारी करके गए थे, आज जिस पेट्रोलियम पदार्थ की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन है वहां पेट्रोलियम पदार्थ देखिए और कांग्रेस का जहां तुलना करिए, आपने लागू करने की कोशिश की है समाजवादी, आपकी योजना ठीक थी, आपकी योजना लागू करने की कहिए ना कच्ची है, समाजवादी ज्यादा डर रही है 6,000 रुपए से, किसान नेता बैठे हैं सरकार थी पिछली सरकार थी, आप यही उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लीजिए, गन्ना किसानों का क्या हाल कर दिया था आपको पता ही नहीं पता है, बोल रहे हैं आपको शर्म नहीं आती है। नेता को सुन के ऐसा लगता है ये सरकार में होते इतना भी नहीं करते, थोड़ा बहुत शायद उनको लग रहा होगा बहुत ज्यादा हमारी सरकार अगर आती तो इतना सारा बोझ हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज वो डर विपक्ष में, वो डर इनकी ऐसी नीयत रहेगी तो इनकी सरकार आएगी, किसान के खिलाफ रहेंगे तो इनकी सरकार आएगी, बोलने दीजिए बोलने दीजिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बोलने दीजिए बोलने दीजिए, एक वेलफेयर कंट्री है, ये तो कहे थे कि हम पहले ही समय पहले ही वर्ष से इन्होंने कहा सारा वेलफेयर परिवार का किया आपने, चले ठीक है, परिवार का वेलफेयर आपने किया, वेलफेयर देश में। अच्छा गुंजन जी, अजब सा ये फसाना, गुंजन जी
अच्छा एक मिनट गुंजन जी, गुंजन जी जो विपक्ष लगातार घेराव यहाँ पर कर रहा है, सरकार ये बता रही है कि हम लोगों ने कैसे इस देश को आगे बढ़ाया है, हम लोगों ने कैसे क्या कुछ नई चीजें निकल के सामने आई हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, विकास से जुड़ी हुई, लेकिन विपक्ष एक चीज को लेकर चल रहा है कि यहाँ पर जॉब्स कहाँ है, रोजगार लोगों को कहाँ मिल रहा है। एक मध्यम वर्गीय अगर लोगों की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि जो बजट या फिर सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं, क्या उनके लिए रोजगार जॉब सीकर्स हैं वो या जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं? सरकार कह रही है कि जॉब सीकर्स अब जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं। गुंजन जी सरकार ये कह रही है कि जॉब सीकर्स अब जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं। नहीं आ रही थी मैं, हम सर मैं सिर्फ इतना इस बात पे कहना चाहूंगा कि देखिए हम लोग की व्यवस्था है हमारे कंट्री की कि थोड़ी सी हमारी पॉलिटिक्स जो है थोड़ी सी ब्रोकन पॉलिटिक्स है। अगर ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स थोड़ी सी हो, जाहिर सी बात है कि एक सरकार एक बजट में सब कुछ नहीं दे सकती सबको, सो दे हैव पेस्ड देमसेल्फ वेल। अगर शुरू से बात करें जब पहले बजट से लेके इन्होंने कुछ ना कुछ दिया ही है नौकरी पेशा लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को। अब एक साल में तो कोई ये नहीं कर सकता कि 2 लाख से उठा के 10 लाख तुरंत कर दे। समय की मांग थी, नजाकत थी और इन्होंने ये सरकार ने किया है। जाहिर सी बात है करने वाली चीजें और भी होंगी और सब्सिक्वेंट सरकारें उसको आगे लेके जाएंगी। सो और डिस्पोजेबल इनकम की जहां तक बात आती है, लोग कहते हैं कि पार्टीज कहती है कि भाई इस समय नौकरी की कमी है, तो जब यही पैसा मार्केट में जाएगा तो सेल्स बढ़ेंगी, लोग उसका आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, उसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होंगे, तो यही पैसा हमारे पास आएगा और यही पैसा हमको नौकरियां पर आएगा हमारे लिए। सो मेरे ख्याल से इट इज प्रोग्रेसिव चीज है और आने वाली सरकार के लिए भी एक उन्होंने एक मैसेज दिया है कि भाई मध्यम वर्गीय ये चीज इस उस पे चलना चाहता है। सो अंशु जी, गुंजन जी से मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि ये मुझे बता दें कि जब 5 साल में कौन कौन सी सहूलियतें इन्होंने मिडिल क्लास को दी है, जैसा कि ये इन्होंने बताया है, ये मुझे बताया कि मैं बता रहे हैं हमसे पूछ लीजिए, मैं सीधे बता दूं आपको। वो भी मिडिल क्लास की बात की जा रही है ना, वो जवाब दे देते हैं। निम्न क्लास से लेकर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं कपीर जी। सवाल एक मिनट, कपीर जी अगर आपने सवाल किया है तो सवाल का जवाब सुनिए। कपीर जी सवाल किया है तो सवाल का जवाब सुनिए, सवाल को गलत एंगल पर मत ले जाइए। हिमांशु जी मेरे से सवाल पूछा गया है तो मैं थोड़ा सा जवाब संक्षेप में देना चाहूंगा, 30-30 सेकंड्स में ये देना चाहूंगा इसको, कि ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। आज बिल्कुल दिया है। अब आपको सुनना नहीं है तो बात अलग है, अगर सुनना नहीं है तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। अगर ये चीज होती कि अगर सब कुछ बढ़ता होता तो आज तेल उसके तेल के दाम से अगर सभी चीज लिंक होती तो क्या तुअर दाल के दाम बढ़ते? हमारे दाम एक्चुअली में कम हुए हैं। डेफिनेट सी बात है कि उन्होंने वो हमको जो तेल के दाम का जो बढ़ना जीता वो नहीं दिया, बट सरकार कहीं ना कहीं रेवेन्यू कमाएगी ही ना। अगर आप सारी चीज ही अगर सब कुछ देने लगे तो वेलफेयर स्टेट क्या हो, तो आप डेफिसिट स्टेट बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं सरकार ने नहीं किया है, और मेरा अपना मानना यह है कि पुरानी सरकारों ने भी किया है, ठीक है। लेकिन गुंजन जी ने एक चीज नहीं बताया कि मैं बता रहा हूँ मिडिल क्लास को, नहीं मैं पूछ रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव मिडिल क्लास में मानते हैं कि हायर क्लास में मानते हैं? जिसने सत्ता छोड़ी थी, अरे श्रीवास्तव जी मुझे बता दीजिए ना, मुलायम सिंह का परिवार मिडिल क्लास है कि निम्न क्लास है, उच्च क्लास है? वहीं से मैं शुरू करूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ नेताजी का परिवार, श्रीवास्तव जी कपीश जी आवाज जा रही है, नेताजी की नेताजी का परिवार किस श्रेणी में है? मैं पूछ, मुझे जवाब दे दीजिए, मैं वहीं से शुरू करूँ। उनका सवाल ही खत्म नहीं हो रहा है, इतना लंबा सवाल तो मैंने किसी एग्जामिनेशन में नहीं सुना भाई। आपका सवाल ऐसा लंबा कि सवाल का जो प्रश्न मेरे से पूछा था और जवाब उन्होंने ही दे दिया कि कांग्रेस हमें 200 रुपए की दाल थी और आज 5 साल बाद चलिए सवाल चाहिए वो है जो सवाल भी खुद ही जवाब भी खुद ही। एक छोटा सा कमेंट दिनेश जी से मैं ले लेता हूँ, फिर गोविंद जी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। नहीं गुंजन जी, आप लोगों ने अपनी बात रखी, इनका
पॉलिटिकल जवाब जो भी है दिनेश जी एक छोटा सा देंगे, उसके बाद गोविंद जी के पास जाऊंगा मैं। बस निवेदन है कि 30 सेकंड कोई बोलेगा नहीं, 30 सेकंड खड़ी रहिए। मैंने कहा पहला श्रीवास्तव जी से सवाल किया कि मुलायम सिंह नेताजी का परिवार वो मध्यम परिवार है कि निम्न परिवार है, कुछ स्तर नंबर एक जवाब दे देंगे बाद में। लेकिन हमने कहा कि इस आजादी के 70 साल के बाद हमारी सरकार को सोचना पड़े कि स्कूल में जो बेटियां पढ़ने जा रही वो शौच के लिए बाहर जाएंगी। अगर शाम को समय में हमारे घर में माँ और बहनें सोचे कि सूर्यास्त हो और हम शौच के लिए बाहर जाएं, 70 साल के बाद ये देश को सोचना पड़े, देश को युवाओं को सोचना पड़े कि सुबह जल्दी सुबह हो जाए तो हम किताब खोल कर पढ़ें क्योंकि यहाँ बिजली तो आती नहीं। हमारी सरकार को सोचना पड़े, हमारी सरकार को पहले पहली हमारी सरकार है जो हमारी सरकार में 34 करोड़ खाते हमारी सरकार ने देखा, दुनिया का 55% जी चाहिए मध्यम वर्ग के लिए, ये नहीं है। आप सबके घर में शौचालय मिल रहा है जरूरत नहीं, आपको आवास मिल रहा है जरूरत नहीं, आप क्या कर रहे थे? आप आए गब आए उत्तर प्रदेश में सरकार में थे, केंद्र में थे, आप क्या कर रहे थे? इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे थे? कपीश जी करवा रहे थे, कपीश जी क्या करवा रहे थे? जो शौचालय जगह जगह निर्माण किए जा रहे हैं इनका इस्तेमाल कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? 9 करोड़ शौचालय बने हैं, कौन यूज कर रहा है? हिमांशु जी इस बात का तो 1 करोड़ 10 लाख गांव में घर बने हैं, किसके लिए बने हैं? मैं जवाब दे दे, जवाब नहीं है ना, मत सुनिए। चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिए, आप तो सुन लीजिए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में पार्टिसिपेशन किया है? हाँ जी। 1 लाख आप क्या कर रहे थे? बैंकों में जो लोग 40 लाख रुपए कर दिए हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप क्या कर रहे थे? आप उत्तर प्रदेश गोविंद जी, आप केंद्र में साझा ठीक है, गोविंद जी, गोविंद जी आप क्या कर रहे थे? गोविंद जी शर्म नहीं आती? गोविंद जी सालों में आपने देश का ये हाल बनाया था आप लोगों ने। गोविंद जी कर दिया, गोविंद जी एक चीज, गोविंद जी एक चीज, ज्यादातर आम लोगों से बात हुई और जब बजट आया उसके बाद से कई लोगों से हमारी भी चर्चा हुई और सभी ज्यादातर लोग इस बजट से काफी संतुष्ट होते हुए नजर आए कि कम से कम इस सरकार ने आम लोगों के बारे में सोचा। लेकिन विपक्ष सिर्फ यहां पर विपक्ष की भूमिका इसीलिए निभा रहा है क्योंकि वो विपक्ष में है, अब बजट कैसा भी हो उनको उसकी बुराई करनी है। या फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 12 करोड़ किसानों का जो लाभ देने की कोशिश किया उसमें 36 करोड़ मतदाता आते हैं और वो मतदाता आने वाले वक्त में एक बड़ा फैक्टर निभा सकते हैं, की रोल प्ले कर सकते हैं और इसी बात का डर विपक्ष को है। देखिए क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पे है और निश्चित तौर पर अगर इस बजट से देश की बड़ी आबादी की आकांक्षाओं को कहीं ये संतुष्ट करता दिखता है तो विपक्ष के लिए परेशानी की बात है और इसीलिए विपक्ष इतना आक्रामक रुख इस मामले में दिखा रहा है। किसानों को सरकार ने एड्रेस किया है, लोअर मिडिल क्लास एक जिसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी है कि न्यू मिडिल क्लास, और प्रधानमंत्री का के मन में शायद ये बात है कि एक नया वोट बैंक एक तरह से समाज में बनाया जाए और उसको जिस तरह की छूटें दी गई हैं, घुमंतू जातियों के नाम पर जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं, 10 करोड़ मतदाता उस सेक्टर में आते हैं ये माना जाता है, तो कहीं न कहीं अगर अलग अलग किसानों के जरिए, मध्य वर्ग के जरिए, घुमंतू आदिवासियों के नाम पर उनके जरिए अगर 30 करोड़ 35 करोड़ मतदाताओं को संतुष्ट करने की सीधी सीधी कोशिश सरकार की है तो कहीं न कहीं विपक्ष के लिए ये परेशानी की बात है। लेकिन हमको ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि चुनाव इस देश में चाहे जब भी होते रहें, चुनाव के नाम पर पार्टियां रिश्वत मतदाताओं को देती रही हैं। 72,000 करोड़ की किसानों की कर्ज माफी भी इसी तरह की रिश्वत थी, अनेक बार जो पे कमीशन की घोषणाएं बिल्कुल चुनाव के पहले होती हैं वो भी इस तरह की चीज है, और बजट में एक बड़ी छूट के नाम पर अचानक 4 वर्ष बाद एक लिमिट को दुगना कर देना वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन इसको अपराध नहीं माना जा सकता, कुल मिलाकर ये देश को चीजों को आगे ले जाने की बात है, समस्याओं के निराकरण के हर सरकार के अपने तरीके हैं। कांग्रेस को अगर ये लगा कि किसानों की समस्या 72,000 करोड़ का कर्ज माफ करके खत्म हो जाएंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर ध्यान भी नहीं दिया जाएगा तो बीजेपी की सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट पर ध्यान देने की कोशिश की और 6,000 रुपए के सालाना राशि के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। हो सकता है इससे भी समाधान ना हो, क्योंकि समाधान तब होगा जब किसान नेताओं को वाकई में सुना जाएगा, और किसान नेताओं को नहीं जो जमीनी किसान है उनको सुना जाएगा, तब समस्याओं का निराकरण हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी जो ब्यूरोक्रेसी का जो सेटअप है, ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है वो आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा, चीजों का सही तरीके से विश्लेषण नहीं हो पाता और समाधान नहीं निकल पाता। सन 67 में नेवी लगी थी और गेहूं का मूल्य था 75 रुपया क्विंटल, सन 67 में सोने का मूल्य था 150 रुपया तोले, और
एक क्विंटल गेहूं में 3,000 ईंट आ जाती थी उस समय पक्की ईंट। अच्छा। और अध्यापक की एक महीने की तनख्वाह में 2 क्विंटल मतलब गेहूं आ जाता था। लेकिन कारण क्या रहा? सन 67 से आज तक किसान की फसलों के दाम घटते रहे और महंगाई बहुत बड़े अनुपात से बढ़ती रही, अनुपात बिगड़ गया, इसलिए किसान कर्जदार हुआ। 97 में भी स्वामीनाथन रूप से लागू हो जाती, तो आज देश का किसान देश को कर्ज देता, कर्ज माफ करने की बात नहीं करता। कर्जदार बनाया गया किसान को सिस्टम में। पहले सवर्णों को 10% आरक्षण, उसका हम स्वागत करते हैं, जो आरक्षण गरीबी के आधार को 10% और सभी जातों को गरीबी के आधार पर। ईश्वर जी, उसके बाद करदाताओं को राहत और फिर किसानों के लिए जो चीजें लेकर आए हैं, क्या यही एक बड़ी वजह थी कि कल ज्यादातर कांग्रेस नेताओं के चेहरे मायूस थे और इस बात का अब कांग्रेस को सोचना पड़ रहा है कि हाँ अब बड़ा खेल यहाँ पर हो सकता है, इसका फायदा जाता है? मुझे नहीं लगता कि ये आपको मायूसी वाला चेहरा किस कांग्रेस नेता का दिख गया। कांग्रेस के नेता तो इस समय जो है बिल्कुल उत्साह से लबरेज है, क्योंकि चुनाव सर पर है और देश की जनता और तमाम प्रदेशों के चुनाव नतीजे उस बात का संकेत दे चुके हैं कि अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से अब जनता ने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा बांधने का, तो कांग्रेस में हतोत्साहित क्यों होंगे? हम तो उत्साह में भरे हुए हैं। दूसरी बात ये रही कि प्रकार से आप कह रहे हैं कि जो इन्होंने ये दिए हैं, ये सब निश्चित तौर पे चुनावी जुमले हैं। देश की जनता हमारी बहुत राजनीतिक समझ बूझ रखी है, सब जो है जानती है कि कितना ये लोग 4.5 साल के आधी नींद तो इनकी जीत के उपचुनाव में उड़ गई थी और बाकी की नींद तो कल के बजट में गायब हो गई। हमारी सरकार ऐसे काम कर रही है और आगे भी इसी तरह से जनता के बीजेपी ने पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी कर ली है। लेकिन ये तैयारी कितना असर दिखा पाती है ये आने वाला वक्त बताएगा और कुछ महीनों में ये सब स्पष्ट साफ हो भी जाएगा। बहुत शुक्रिया, कहना चाहते हैं कि 5 साल तक बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो मुद्दा मैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहे एपीएन के साथ। नमस्कार।